हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है पोको एक्स 3 प्रो के लिए लेटेस्ट MIUI 14 बेस्ड MIUI CSX रोम का लेटेस्ट अपडेट। और ये अलॉयथ से पोर्टेड है, यानी कि मी 11X या फिर पोको F3 के लेटेस्ट MIUI CSX रोम से पोर्टेड है। तो यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस है, क्या फीचर्स आपके वर्किंग है, कैसी ऑप्टिमाइजेशन है, ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और स्टार्ट करते हैं सेटिंग से। तो सबसे पहले माई डिवाइस पेज के अंदर MIUI CSX का आपको लोगो मिलेगा और यहाँ पे CSX वर्स 3 लिखा है और ये MIUI 14 बेस्ड है, 22.12.26 डेवलपर वर्जन आपको मिलेगा, अप टू 5GB मेमोरी एक्सटेंशन है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है और दिसंबर 2022 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट मिलता है और कंगारू XR30 आपको रोम के अंदर कर्नल इनबिल्ड देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस आपका सर्टिफाइड है, वाइड बैंड L1 आपको मिलेगा, गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग आपको मिल जाएगी और ये जो है मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है, तो आपका 33 वॉट का फास्ट चार्जर यहां पर काफी अच्छे से वर्किंग है। और रोम के अंदर अगर आप नॉर्मली इसको यूज करना चाहते हो तो भाई आपको ऑलमोस्ट 9-10% पर आर के आसपास एक्टिव रेन मिलेगा एंड जो आइडल रेन है 0.27% पर आर के आसपास है एंड जो डीप स्लीप है वो वर्किंग है। ये सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ है, 95% तक आपका सीपीयू यहां पर थ्रॉटल करता है और इसको गेम टर्बो के अंदर ऐड किया था मैंने एंड ये गीकबेंच 5 के स्कोर्स आपको मिल जाएंगे और ये वाइल्डलाइफ टेस्ट के स्कोर्स आप चेक आउट कर सकते हो। अब इस रोम में जो आपको स्टॉक कैमरा मिलता है ना, वो लाइका वाला कैमरा है और इसमें वीडियोस वगैरह आप 4K 60fps में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इवन 4K 24fps और 1080p 24fps का भी ऑप्शन आपको मिलेगा और फोटो वगैरह काफी अच्छे से आप कैप्चर कर सकते हो, यहां पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। मे भी अगर आपका ये कैमरा क्रैश करता है ना कुछ इस तरीके से तो आप GCam ट्राई करना और पोर्ट्रेट में आपका जो कैमरा है वो क्रैश करेगा, आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी कुछ मोड्स आपके यहां पर भी वर्किंग रहने वाले हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है GCam ट्राई करो और आपके स्लो मोशन वीडियोस वगैरह भी यहां पर वर्किंग है, मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। बट एज ऑफ नाउ ये कैमरा मैं बोल सकता हूं थोड़ा बगी आपको मिल जाएगा, तो आप GCam के ऊपर यहां पर रिलाई कर सकते हो। अब जब आप रोम को इंस्टॉल करोगे तो एक सेटिंग जरूर कर लेना, सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके आपको यहां पर टाइप करना है डिसेबल HW ओवरलेज। तो यहां पर आपको डेवलपर ऑप्शन में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट इसको टॉगल कर लेना। उसके बाद आपको यहां पर जो है UI के अंदर कहीं भी जो है फ्लिकरिंग वगैरह या फिर स्टटरिंग देखने को नहीं मिलेगी और फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था भाई यहां पर जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग है ना उसमें भी मेरे को स्टटरिंग फेस करनी पड़ रही थी, बट जब मैंने इसको इनेबल किया तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने है, यहां पर काफी स्मूथ एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद एंड यहां पर कोई भी लैग या फिर इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। इवन जो रिस्पॉन्सिवनेस है UI की वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी एंड जो रैम मैनेजमेंट है वो एक्सीलेंट मैं बोलना चाहूंगा। ऐप्स आप चेक कर सकते हो एंड जो ऐप्स आपके सामने मैंने ओपन किए थे सबके सब रैम के अंदर ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे और ये मॉडेड लॉन्चर है जो कि MIUI CSX रोम के अंदर आपको मिलेगा और इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट MIUI 14 बेस्ड है तो MIUI 14 के विजेट्स आपको मिल जाएंगे और जो गैलरी वाले ऐप्स है या फिर जो कुछ Xiaomi के लिमिटेड ऐप्स हैं उनमें आप जो है सुपर आइकॉन वगैरह को यहां पर इंस्टॉल कर सकते हो या फिर सेटअप कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर अप टू 90fps का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहां पे जो है बाकी और भी चीजें देखने को मिलती हैं। अब सेटिंग्स में चलेंगे तो यहां पे सबसे पहले वॉलपेपर है, पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको MIUI CSX के वॉलपेपर्स मिलेंगे, ब्लैक शार्क वाले ऑप्शंस हैं, MIUI 14 है और एनिमेटेड ब्लैक शार्क के वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं और ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। नेचर पैटर्न्स का ऑप्शन है, ब्लैक शार्क 2 का ऑप्शन है, देन CSX के ऑप्शंस हैं, कर्व्स का ऑप्शन है, उसके बाद फिर से CSX है, उसके बाद यहां पे जो है ब्लैक शार्क का ऑप्शन आपको मिलेगा, देन मार्वल वाले है, देन एनिमे वाले आपको 40 वॉलपेपर्स मिलेंगे, देन पेबल्स वाले है जो कि आपके नाइट मोड के अंदर भी वर्क करते हैं और यहां पे आपको वन पीस वाले ऑप्शंस मिलेंगे, देन एनिमे के कुछ आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे। बट इनकी जो क्वालिटी है ना वो उतनी ज्यादा आपको क्लियर देखने को नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एंटी फ्लिकर मोड एडिड है फ्रॉम पोको F3 एंड कलर स्कीम है, रिफ्रेश रेट का UI लेटेस्ट आपको मिलेगा, AI इमेज इंजन में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, साउंड एंड टच के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं टच के और यहां पे हैप्टिक फीडबैक लेवल है ना वो वैसे वर्क नहीं करता, ये मी 11X और पोको F3 के अंदर होता है और यहां पे अगर आप साउंड इफेक्ट्स के अंदर आते हो तो हार्मन कार्डन ऑडियो है। बट ये जो फीचर्स है ना साउंड ऑप्टिमाइजेशन वाले चारों के चारों ये आपके यहां पर वर्क नहीं करेंगे, ये सबके सब क्रैश होते हैं, आप जो भी इनेबल करोगे सबके सब क्रैश करेंगे, तो इसमें आपको बग मिलेगा।
नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर आओगे तो लेटेस्ट MIUI 13 या फिर 14 का कंट्रोल सेंटर है और ये स्टेटस बार के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर आपका मॉडेड है, MIUI 14 बेस्ड है और इसमें जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई। जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं वो आपके सामने है, फोल्डर बाउंस इफेक्ट वगैरह, आइकॉन्स के अंदर भी आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिलेगा, बट ये MIUI के डिफॉल्ट आइकॉन पैक के ऊपर वर्क करेगा। उसमें मॉनेट के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो आइकॉन्स है गूगल ऐप्स वाले वो मॉनेट के अंदर चेंज हो जाएंगे और iOS स्टाइल रीसेंट्स आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे मिसलेनियस में ये कस्टमाइजेशंस आपको मिलती है और मेमोरी स्टेटस वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड है, यहाँ पे बैटरी हेल्थ का ऑप्शन है और बूस्ट चार्जिंग स्पीड एंड ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग का ऑप्शन है। और एडिशनली भी आपको वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे लाइक फ्लोटिंग विंडोज में साइड बार, कॉन्वर्सेशन बबल्स हुआ और मेमोरी एक्सटेंशन में 5GB तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। बाकी अगर आप यूट्यूब वीडियो के अंदर देखोगे या फिर यूट्यूब के अंदर देखोगे जिसमें डॉल्बी एटमॉस है, उसमें आपको अपस्केल का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है, स्टाइल है, डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है। मोस्ट प्रोबेबली डॉल्बी एटमॉस तो आपका वर्क नहीं करेगा, बट हाँ आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इस रोम को कंसिडर करना चाहते हो गेमिंग के लिए तो एक मिनट रुक जाओ, आपको मैं सभी चीजें बता देता हूँ। इस रोम को आप गेमिंग के लिए मत कंसिडर करना, रीजंस बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, 90 FPS बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग दूसरी बार तीसरे मैच में जो है इनेबल किया, तब भाई जो FPS है वो 67 से ऊपर नहीं जा रहे थे एंड क्लोज रेंज में मेरे को FPS ड्रॉप देखने को मिला है। समटाइम्स जो है पाम टच का इशू भी मेरे को देखने को मिला। ये रोम मैं फिलहाल गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्लोज रेंज में इश्यूज आपको आएंगे, हीटिंग इश्यूज तो नहीं मिलते, बट हाँ ओवरऑल जो रोम है वो गेमिंग के लिए आपको नहीं मिलती। फीचर्स काफी अच्छे हैं, स्मूथनेस अच्छी है, बट हाँ अभी भी स्टेबिलिटी की थोड़ी मैं कमी बोलना चाहूंगा। सो होपफुली आने वाले अपडेट में ये सब चीजें फिक्स हो जाएंगी और आपको नेक्स्ट वीडियो MIUI SR के क्वार्क एडिशन के ऊपर मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके रखना, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।